अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमारा जावेद। क्या हाल है आप सब के? अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा आई मेकअप शेयर कर रही हूँ। ये आप पार्टी में भी कर सकते हैं, ब्राइडल लुक के तौर पे भी, वलीमा मेहंदी के तौर पे कर सकते हैं, कलर्स आप अपने चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बेस कैसे बनाई है और ये तमाम डिटेल आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएगी, देख लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले मैंने APK का लूज़ पाउडर रखा है। ये सारी चीज़ें जो आज मैंने यूज़ की हैं वो किस ब्रांड की तरफ से मुझे PR रिसीव हुई है, मैं नीचे इनका लिंक मेंशन कर दूंगी। रिजल्ट्स आप लोग ख़ुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। अच्छा जी, APK का लूज़ पाउडर भी आपको ऑनलाइन उनसे मिल जाएगा, ठीक है? क्वालिटी बहुत अच्छी, ओरिजिनल चीज़ है इनके पास। अच्छा, यहाँ पे आज मैंने ग्लैमरस फेस का आई शेडो पैलेट यूज़ किया। बहुत सारी लड़कियाँ कहती हैं आप अफोर्डेबल पैलेट नहीं यूज़ करती, तो पैलेट आपके पास कोई भी हो आप लोग कलर्स की मैचिंग कर सकते हैं, ठीक है जी? यहाँ पे मैंने दो तरह के जो पिंक शेड हैं वो मिक्स करके लगाए हैं, ठीक है? उसके बाद ये बहुत प्यारा सा मस्टर्ड ब्राउन सा शेड है, इसके साथ जो मैंने शेड पहले लगाए हैं उनकी ऊपर वाली साइड पर ना ब्लेंडिंग कर रही हूँ, ठीक है? पूरा शेड ही नीचे की तरफ नहीं लाना, पिंक भी नज़र आना चाहिए और जो ऊपर वाला शेड है वो भी अलग से ब्लेंडिंग के टाइम नज़र आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लैक की जगह डार्क ब्लू शेड ले रही हूँ। आप यहाँ पे पर्पल भी ले सकते हैं, ब्लैक भी ले सकते हैं, ब्राउन भी ले सकते हैं। अब ये मेकअप आप सेम अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बस टेक्निक फॉलो किया करें, टेक्निक पे ध्यान दिया करें, पैलेट्स पे चीज़ों पे इतना ध्यान ना दिया करें। अच्छा, ब्रशेज़ मैं यूज़ कर रही हूँ जो जिनके वो हरीन फातिमा इंस्टाग्राम पर उनका पेज है 500 के नाम से, और आज की लुक में जो बाकी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी उनका पेज भी मैं मेंशन कर दूँगी। इंस्टाग्राम अफोर्डेबल स्टोर 001 उनका पेज है, ठीक है? पेज मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, उनका व्हाट्सअप नंबर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी? अच्छा, उसके बाद मैंने ब्लू शेड रखा। पहले आपने रखना है छोटे ब्रश की मदद से, फिर उसको खाली साफ ब्रश की मदद से आपने ब्लेंड करना है। सेम वही तरीका जो ऊपर हमने किया था वही शेड्स आपने नीचे लगाने हैं। बस ये है कि नीचे मैंने डार्क ब्लू सा शेड जो है वो जस्ट मैंने आईज़ के बिल्कुल साथ साथ लगाया है। अच्छा, आईज़ के नीचे आपने हमेशा एक छोटा फ्लफी सा ब्रश लेके उसके साथ काम करना है, बड़े ब्रश के साथ काम नहीं करना। अब ब्लू शेड एक छोटे से ब्रश की मदद से मैंने बिल्कुल लोअर लैश लाइन के साथ साथ लगाया है, ठीक है? उसके बाद एक छोटे ब्रश की मदद से उसको नीचे वाली साइड पर ब्लेंड कर दिया। उसके बाद ये जो इंटरफेरेंस शेड है, ठीक है, कैंडी लैब के, ये भी हरीम फातिमा के पेज से मिल जाएंगे, नीचे पेज में इनका मेंशन कर दूंगी। अच्छा जी, ये बहुत प्यारा सा पिंक शेड है। यहाँ पे आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ब्लू और पिंक की जगह जो शेड चाहे ना यूज़ करें, टेक्निक ये यूज़ कीजिएगा। आपका आई मेकअप का माल का होगा, सब पूछेंगे कहाँ से आपने मेकअप करवाया, कौन से पार्लर से आप तैयार हुई हैं। खैर, ये जो मैं मिस रोज़ का हाईलाइटर यूज़ करी हूँ, बहुत ही खूबसूरत सी शाइन थी, इसमें ग्लिटर चंक्स नहीं थे, बहुत स्मूथ सा हाईलाइटर है। ये आपको जिस पेज से मिलेगा वो अफोर्डेबल स्टोर उनका पेज है, ठीक है? इंस्टाग्राम पे पेज नीचे मेंशन कर दूंगी, तमाम प्रोडक्ट्स कहाँ से आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं पेज मेंशन कर दूंगी, आंखें बंद करके जाके आप लोग ले सकते हैं। अच्छा जी, स्पूली की मदद से आपने जो है कॉम कर लेना है, हाईलाइटर लगाने के बाद आपने अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद वही पिंक शेड लिया, हल्का सा पानी में वेट करते हुए एक लाइनर ब्रश की मदद से आपने आँख के स्टार्ट से लेके बीच तक लगाना है और फिर हल्का सा ब्लेंड कर देना है, ठीक है? उसके बाद ये जो मैं ग्लिटर्स यूज़ कर रही हूँ, हाईलाइटर मैंने यूज़ किया, ये अफोर्डेबल स्टोर की तरफ से मुझे एज अ PR आए चीज़ें, आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट्स, इसकी शाइन मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। बाकी लगते कैसे हैं, लुक कैसी आती है, आप लोग मेरी वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है? अब आपने बिगनर्स हैं ना, तो आपने आराम से इनको फिंगर पर लेना है, ब्रश पर लेना है, प्रेस करते हुए लगा लेना है, ये कहीं नहीं जाते। और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चाहते हैं तो हल्का सा ग्लो भी लगा सकते हैं। दोनों शेड मैंने दिखा दिए हैं, अफोर्डेबल स्टोर से मिल जाएंगे, नीचे लिंक मेंशन कर दूंगी। अच्छा जी, सबसे बड़ी गुड न्यूज़, आप सब लोग मुझसे वाइट पेंसिल का पूछते कि ऑनलाइन कहाँ से मिलेगी, इन लोगों ने मुझे ये मालियाओं की वाइट पेंसिल, बॉब का मस्कारा, ये चीज़ें तमाम आपको अफोर्डेबल स्टोर की तरफ से मिल जाएंगे। और इनकी वाइट पेंसिल मालियाओं की कमाल की है, ठीक है? जैसे मैं यूज़ करती हूँ सेम है, ओरिजिनल है। इसके अलावा जो मेरी लैशेज़ आप लोगों को पसंद आती हैं, इनके पास बहुत हसीन आर्टिकल हैं, लैशेज़ भी मैंने इन्हीं की यूज़ की, आप लोग लैशेज़ भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर नीचे जितना भी लूज़ पाउडर है वो आपने रिमूव करना है। बेस कैसे बनाई है, स्टेप बाय स्टेप, कॉन्टोर, ब्लश, हाईलाइटर, हर चीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगी, आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। अच्छा जी, ब्रशेस और इंटरफेरेंस शीट का जो लिंक है वो भी मैं नीचे दे दूंगी, ठीक है? तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जाके बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं ये। और अगर आप लोग मेरी लुक्स देखना चाहते हैं कंप्लीट, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया, अमारा जावेद 36 मेरी वहाँ पे ID है, मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।